ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक पुत्र थे मरीचि, और मरीचि के पुत्र थे महर्षि कश्यप। इन महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थी। इनकी दो पत्नियां विंता और कद्रु, जो आपस में सगी बहनें होकर भी एक दूसरे से शत्रुओं की तरह बैर रखती थी। एक बार कश्यप जी की पत्नी कद्रु ने उनसे 1000 बलवान तथा तेजस्वी नाग पुत्रों की इच्छा उत्पन्न की थी। जब विंता ने यह सुना तो उसने कश्यप जी से सिर्फ 2 ऐसे पुत्रों की इच्छा व्यक्त की जो कद्रु के 1000 पुत्रों से भी ज्यादा बलवान और पराक्रमी हों। पुत्रों की इच्छा व्यक्त करने के बाद वह दोनों बहनें गर्भवती हो गईं, और समय आने पर कद्रु ने 1000 अंडे दिए और विंता ने सिर्फ 2 अंडे दिए। कुछ वर्षों बाद कद्रु के अंडों से शेषनाग और वासुकी समेत 1000 नाग उत्पन्न हुए, परंतु विंता के दोनों अंडे काफी समय बीत जाने के बाद भी ऐसे ही पड़े रहे। अपने पुत्रों के उत्पन्न होने में देर होती देख अपने हाथों से ही विंता ने एक अंडा फोड़ डाला, तो उसने देखा कि उस अंडे में जो शिशु था वह एक पक्षी था, और उस शिशु का ऊपर का आधा ही शरीर पुष्ट हो पाया था, नीचे का आधा शरीर अभी भी कच्चा था। तब उस पुत्र ने क्रोध में आकर अपनी ही माँ विंता को यह श्राप दे दिया था कि तूने अपनी जिस बहन की बराबरी करने के लिए मुझे अधूरे शरीर का बना दिया है, तू हमेशा अपनी उसी बहन की दासी बन के रहेगी। अपने ही पुत्र से यह श्राप पाकर विंता बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। उस शिशु को अपनी माँ की यह दशा देख उन पर दया आ गई थी, और तब उस शिशु ने अपनी माँ से यह कहा था कि यदि तूने अपने दूसरे बच्चे को अंगहीन नहीं किया तो वही तुम्हें मेरे इस श्राप से मुक्त करेगा। इतना कहकर वह शिशु आसमान में उड़ गया था और भगवान सूर्य देव का सारथी बन गया था। विंता के उस शिशु का नाम अरुण पड़ा था। कहते हैं प्रातः काल की लालिमा विंता के उसी पुत्र अरुण की होती है। अपने पुत्र अरुण से श्राप मिलने के बाद विंता ने अपने दूसरे अंडे का अपने आप से फूटने का इंतजार किया था, और समय आने पर जब वह अंडा फूटा तब उसमें से गरुड़ नाम का महाबलशाली पक्षी उत्पन्न हुआ। गरुड़ बड़ा ही बलवान और पराक्रमी पक्षी था, परंतु जब उसे यह पता चला कि उसकी सौतेली माँ कद्रु ने अपने नाग पुत्रों के साथ मिलकर धोखे से उसकी माँ विंता को अपनी दासी बना लिया था, तो उसे बड़ा दुख हुआ था। तब गरुड़ ने नागों और उनकी माँ कद्रु से कहा कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे और मेरी माँ को अपनी दासता से मुक्त कर दो। तब नागों ने गरुड़ से कहा कि तुम बड़े ही बलवान और पराक्रमी हो, इसलिए तुम हमारे लिए स्वर्ग से अमृत ला दो, फिर हम तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपनी दासता से मुक्त कर देंगे। जब वह बलशाली गरुड़ अमृत को हरने के लिए स्वर्ग की तरफ उड़ा था तो पूरे स्वर्ग में हलचल सी मच गई थी, जिसे देखकर स्वयं देवराज इंद्र भी घबरा गए थे। तब इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति देव से पूछा कि हे गुरु, ये कैसी हलचल है? तो बृहस्पति देव ने कहा कि विंता पुत्र गरुड़ अमृत हरने के लिए स्वर्ग आ रहा है। यह सुनकर देवराज इंद्र समेत सभी देवता अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अमृत की रक्षा करने के लिए जुट गए, परंतु सारे देवता मिलकर भी गरुड़ से युद्ध करके उसे रोक नहीं पाते हैं, और गरुड़ अमृत का कलश लेकर चले जाते हैं। भगवान विष्णु जब आकाश मार्ग से गरुड़ को अमृत कलश लेकर जाते हुए देखते हैं तो वह इस आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि गरुड़ को अमृत को पीकर अमर होने का जरा भी लोभ नहीं है। इस कारण भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, इसलिए तुम अपनी मनचाही वस्तु मांग लो। तब गरुड़ ने कहा कि हे भगवान, आप मुझे अपनी ध्वजा में रख लीजिए, और दूसरा, मैं बगैर अमृत पिए ही अजर अमर हो जाऊं। भगवान विष्णु ने जब गरुड़ की इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए तथास्तु कहा
तो गरुण ने भगवान विष्णु से कहा कि मैं भी आपको एक वरदान देना चाहता हूँ, आप भी मुझसे कुछ मांग लीजिए। तब गरुण की यह बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि तुम मेरे वाहन बन जाओ। तब गरुड़ देव ने भगवान विष्णु को देखकर कहा, ऐसा ही होगा भगवान।